गन्ना भुगतान न करने पर बजाज शुगर मिल का जेएम गिरफ्तार। आपको बता दें, प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नागल स्थित बजाज शुगर मिल गगनौली के जेएम को गन्ना भुगतान न किए जाने पर गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जेएम ने एसडीएम को दिए शपथ पत्र में बताया कि मिल ने बकाया गन्ने 80% भुगतान कर दिया है। देवबन एसडीएम संजीव कुमार ने राजस्व विभाग की टीम के साथ सोमवार शाम नागल स्थित बजाज शुगर मिल गगनौली के जेएम हरवीश कुमार मलिक को 196.56 करोड़ रुपए के भुगतान न किए जाने पर 2 नवंबर को जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस दौरान शुगर मिल के जेएम हरवीश कुमार मलिक ने बताया कि गगनौली शुगर मिल ने बकाया गन्ना भुगतान में से 175 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना खरीद कर भुगतान कर दिया है, जो कि कल भुगतान कर 80% से अधिक है। इस बाबत उन्होंने एक शपथ पत्र भी एसडीएम संजीव कुमार को उनके द्वारा दिया जा रहा है। एसडीएम संजीव कुमार ने बताया कि 196.56 करोड़ की आरसी के समक्ष गिरफ्तार किया गया थी, जिसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया मिल पर बाकी है। बताया है कि शीघ्र ही 10 करोड़ रुपए के भुगतान किए जाने के शपथ पत्र के आधार पर राजस्व संहिता के तहत अगली कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान तहसीलदार तपन कुमार मिश्रा सहित राजस्व विभाग की टीम और पुलिस टीम मौजूद रही। सर, क्या कार्रवाई की गई है? बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल गांगनोली देवबंद में 196 करोड़ की आरसी के सापेक्ष आज उनके अध्यासी की गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी में उनके द्वारा क्योंकि 80% से ज़्यादा भुगतान कर दिया गया है आरसी के सापेक्ष, और उन्होंने लिखित शपथ पत्र दिया है कि वो 12 फरवरी तक सारा भुगतान कर देंगे। इस क्रम में उनको अभिरक्षा से मुक्त किया गया है। सर, कुछ आश्वासन दिया है जो आगामी भुगतान? हाँ, आपके द्वारा शपथ पत्र दिया गया है 12 फरवरी तक का। 12 फरवरी तक ये सारा भुगतान जितना भी आरसी का है, जितना गन्ना भुगतान है, वो सारा क्लियर करेंगे। जो आगामी भुगतान है उसको लेकर उसके नेक्स्ट डे ही वो अगला भुगतान शुरू कर देंगे।